YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में आप लोग जानने वाले हो एक से लेके थाउजेंड तक डाइल्यूशन कैसे करते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है, क्या क्या कितना मिक्स कर रहे हैं, सारा फुल डिटेल से बताने वाला हूँ। यानी कि सब कुछ मिला के ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, खासकर उनके लिए जो पैथोलॉजी लैब में काम करते हैं या जो स्टूडेंट हैं जिनको डायल्यूशन करने का फार्मूला पता नहीं होता कि डायल्यूशन हम कैसे करेंगे, 1:1 का डायल्यूशन क्या होता है, 1:5 का क्या होता है, 1:10 का क्या होता है, अगर कोई पूछे 1:1000 का डायल्यूशन क्या होता है तो ये पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ आपको। तो चैनल पर पहली बार अगर आए हो तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर देना, जो पहले से लगे हुए हैं वो वीडियो को लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और चैनल फ्री में सब्सक्राइब करना है, कोई भी खर्चा नहीं आने वाला है, सिर्फ आपको रेड बटन को दबा के काला करना है और बेल आइकन को ऑन कर देना है। तो चलिए आपको डाइल्यूशन का फॉर्मूले मैं दिखाता हूं। आप एक बात हमेशा याद रखना, ये जो पर लीटर के हिसाब से बता रहा हूँ यानी कि एक लीटर के हिसाब से, अगर आपको कम ज़्यादा करना होगा तो उसके हिसाब से आप कर सकते हो। जैसे 1:1 का डाइल्यूशन है तो उसमें केमिकल आप 500 ml लोगे और वाटर, वाटर जब आप डिस्टिल वाटर NS कुछ भी ले सकते हो, NS या डिस्टिल वाटर ले सकते हो, और केमिकल जगह पे सीरम प्लाज्मा कुछ भी हो ये सब यूज कर सकते हो। तो 1:1 के लिए 500 ml केमिकल और 500 ml डिस्टिल वाटर मिला के हमें 1:1 का डाइल्यूशन हो जाता है। मैंने इस तरह से आप कर सकते हो। अगर कम ज़्यादा आपको माइक्रो में भी करना है, माइक्रोलीटर में, तो सेम वही प्रोसीजर रहेगा। उसके बाद से आपको 1:5 के लिए भी आपको केमिकल लेना पड़ेगा 200 ml और वाटर लेना पड़ेगा आपको 800 ml, टोटल मिला के 1 लीटर हो जाएगा यानी 1000 ml और ये हो जाएगा 1:5 का डाइल्यूशन। यानी इसके लिए भी सेम वही रहेगा, जब भी आप डाइल्यूशन बनाओगे तो उसके जगह NS या डिस्टिल वाटर का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर आता है 1:10 का, 1:10 के लिए आपको केमिकल लेने पड़ेगा 100 μm और वाटर लेने पड़ेगा आपको 900 ml, इन टोटल हो जाएगा 1000 ml यानी कि 1 लीटर और ये डाइल्यूशन हो जाएगा 1:10 का। यानी जब 1:10 का डाइल्यूशन करना होगा तो आपको इतने इतने मात्रा में सारे केमिकल होकर लेना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको मैं बताता हूँ 1:20 का, 1:20 के लिए आपको केमिकल लेना पड़ेगा 50 μl 50 ml और वाटर लेना पड़ेगा 950 ml यानी कि हो जाएगा 1000 ml यानी कि 1:20 का ये डाइल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद से आपको 1:25 का डाइल्यूशन अगर बनाना हो तो कैसे बनाओगे, तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, केमिकल आपको इसके लिए 40 ml लेना पड़ेगा पर लीटर के हिसाब से और वाटर आपको 960 ml लेने पड़ेगा, टोटल हो जाएगा 1000 ml और ये हो जाएगा 1:25 का डाइल्यूशन हो जाएगा। अगर 1:50 का अगर डाइल्यूशन आपको बोला जाए तो आप कैसे बनाओगे, तो उसके लिए सीरम या प्लाज्मा कुछ भी आप केमिकल के जगह पर 20, अगर जहाँ पे ml वहाँ पे माइक्रो भी ले सकते हो, वाटर जहाँ पे 980 ml हो वहाँ पे 980 μl ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि ये लीटर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ ml में, आप लोग माइक्रोलीटर में भी सेम वैसे ही कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि ये था 1:50 का, और पता है 1:100 का, यानी कि 1:100 का जो डाइल्यूशन होगा कैसे होगा, उसके लिए आपको 10 ml केमिकल लेना पड़ेगा और 990 ml वाटर लेना पड़ेगा, तब जाके ये आपको यानी इस तरह से मिला के आपको 1000 ml हो जाएगा और ये 1:100 का डाइल्यूशन हो जाएगा। उसके आगे आता है दोस्तों 1:50 का डाइल्यूशन। ये 1:150 का डाइल्यूशन के लिए आपको केमिकल लेने पड़ेगा 7 ml और वाटर लेने पड़ेगा 993 यानी कि 993 ml आपको वाटर NS डिस्टिल वाटर कुछ भी मतलब ये लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1:150 का डाइल्यूशन। अब हम बात करते हैं 1:200 डाइल्यूशन, यानी 1:200 का डाइल्यूशन कैसे बनाओगे आप, तो उसके लिए आपको 5 ml केमिकल लेना पड़ेगा और 995 ml वाटर या NS कुछ भी लेना पड़ेगा, टोटल मिला के ये हो जाएगा 1000 ml और ये हो जाएगा 1:200 का डाइल्यूशन। अब बात करते हैं 1:250 का डाइल्यूशन कैसे बनाओगे, तो 1:250 का डाइल्यूशन बनाने के लिए आपको 4 ml केमिकल लेना पड़ेगा और वाटर लेना पड़ेगा उसके लिए 996 ml, तो ये हो जाएगा 1000 यानी कि 1:250 का ये डाइल्यूशन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 1:500 डाइल्यूशन कैसे बनाओगे, यानी 1:500 का डाइल्यूशन बनाने के लिए आपको केमिकल लेना पड़ेगा 2 ml और जो वाटर होगा वो 998 ml बनाना पड़ेगा लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1000 ml और ये इसका जो डाइल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा 1:500 का ये डाइल्यूशन हो जाएगा। अब जो लास्ट होता है 1:1000 का डाइल्यूशन कैसे होगा, तो उसके लिए आपको सिर्फ 1 μ
सॉरी 1 ml आपको केमिकल लेना पड़ेगा और 999 ml वाटर लेना पड़ेगा, तो 1:1000 डाइल्यूशन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो से आपको पसंद आएगा। कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट करें या मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ से डायरेक्ट मुझसे बात हो सकती है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।